नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं दोस्तों आज हमारे पास गाड़ी आई हुई है, महिंद्रा कंपनी का मैक्सिमो है, मिनी वैन है दोस्तों। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर क्या कमी हुआ है, चलिए आज आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं। अंदर जो है स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में बहुत ही ज़्यादा प्ले हो गया है। और गाड़ी को हम जैसे ही 40 से ऊपर भगाना शुरू कर रहे हैं तो पूरा तेज़ी से जो है वाइब्रेट करने लग जा रहा है। तो दोस्तों क्या कमी हो सकता है कि गाड़ी के स्टेयरिंग में जो है 40 से जैसे ही स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं तो पूरा तेज़ी से जो है वाइब्रेट करने लग रहा है और कंपन करने लग रहा है। तो चलिए आज आप सबको बताते हैं। तो दोस्तों विलम्ब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक दोस्तों आपसे एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सभी को मैं दिखा देता हूँ, ये स्टीयरिंग का जो है आइडियल किट है। पहले यहीं से जो है दोनों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्टीयरिंग बॉक्स का जो है ज्वाइनिंग है स्टीयरिंग रेक का, और इसी में जो है जाके ज्वाइनिंग हुआ है। और यहाँ एक ए वाला टाई रड है और एक ए वाला है, दोनों ज्वाइनिंग हुआ है इसी के अंदर। तो दोस्तों इसका जो बूस है वो कट गया है, इसी के कारण जो है गाड़ी के जैसे ही हम 40 से ऊपर स्पीड कर रहे हैं तो पूरा तेज़ी से जो है कंपन करने लग जा रहा है। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो है प्ले हो गया है। जैसे ही इसे हम हिला रहे हैं पूरा तेज़ी से जो है हिल रहा है। तो दोस्तों इन्हें पहले हम खोलते हैं और खोल के निकालते हैं, तब आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर जो बूस है उसे कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए स्टीयरिंग का जो टायर एंड है उसे हम खोल के हटा दिए हैं। और उसे खोलने के बाद यहाँ पे जो आइडियल किट है उससे आप देख लीजिए पूरा बहुत ही ज़्यादा कट गया है, इसी के कारण जो है पूरा स्टीयरिंग में प्ले हो गया है। जैसे ही हम गाड़ी को 40 से ज़्यादा स्पीड कर रहे हैं तो पूरा तेज़ी से जो है स्टीयरिंग में कंपन हो जा रहा है और गाड़ी जो है वाइब्रेट करने लग जा रहा है। तो दोस्तों इसे हम खोल के और बाहर निकाल रहे हैं और आप सभी को दिखाएंगे कि इसका जो बूस है कैसे चेंज किया जाएगा। आप सभी को कि इसका बूस कैसे चेंजिंग किया जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्ले हो बन गया है, बूस जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसी के कारण पूरा कंपन कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए, इसे जो हम खोल के बाहर निकाल लिए हैं आइडियल किट को, और उसके बाद जो है बैलेंसर को, अब इससे हम बूस चेंज करने के लिए यहाँ पर जो है 12 mm का दो बोल्ट दिख रहा है, इन दोनों बोल्ट को हम खोलेंगे। जैसे ही इस कैप को खोल के हटाएंगे उसके बाद जो यहाँ पर जो सापट दिख रहा है ये सापट जो है नीचे की तरफ निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसे हम खोलते हैं, जो 12 mm का बोल्ट है उसे खोल के बाहर निकालते हैं, उसके बाद जैसे ही इन दोनों बोल्ट को खोलेंगे ये वाला जो शाफ्ट है नीचे की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ आलसील जो है इसके अंदर बूस है सबको हम चेंज करेंगे बारी बारी से। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कैप जो है इसे खोल के हटा दिए हैं, अब जो है इसके ऊपर हम चोट मारेंगे आराम आराम से। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए वाला जो शाफ्ट है इसे खोल के हम बाहर निकाल दिए हैं, यही जो है दोस्तों कटा हुआ था और इसके अंदर एक बूस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसी के अंदर जो शाफ्ट है बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर प्ले बन गया है, तो इसी के कारण जो है स्टीयरिंग पूरा बबलिंग कर रहा है। तो इसके अंदर जो बूस है इन शाफ्ट को तो हम चेंज करेंगे ही, अंदर वाला जो बूस है उसे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है पेचकस से चोट मार के और इसे निकालेंगे इसमें से। तो चलिए पहले निकालते हैं बाहर। अभी यहाँ पे आप सब देख लीजिए दोस्तों वाला जो बूस है इसे हम बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर पेचकस लगा के और चोट मारे हुए हैं तो बूस जो है यहाँ से निकल गया है बिल्कुल बाहर। अब ये वाला जो है यहाँ भी आप देख लीजिए नया वाला जो है हम लेके आए हुए हैं,
अब नया लेके आए हुए हैं। इसका जो किट है यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों नया वाला यहाँ पे जो बूश है, बूश दिख रहा है। ये बूश जो हम इसके अंदर ठोकेंगे और ठोक के फिर जो है नया शाफ्ट भी है, ग्रीस लगा के कैसे लगाएंगे चलिए आप सभी को दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसे हम बिल्कुल सफाई करके और क्लियर कर लिए हैं। अब ये नया वाला जो बूश लेके आए हुए हैं सब पूरा किट, अब हम इसके अंदर इसे बैठाएंगे। तो इसे बैठाने से पहले थोड़ा सा इसके अंदर हम ग्रीस को लगा लेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से बूश जो है बैठ जाएगा। ये दोस्तों पीतल का बूश है। अब बूश जो है दोस्तों इसके अंदर हम फिटिंग कर दिए हैं, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। इधर से जो नया वाला वालसिल है, नया वाला वालसिल को भी फिटिंग कर दिए हैं और इसका जो बूश फिट कर दिए हैं, उसके बाद शाफ्ट भी फिटिंग कर दिए हैं। अब ये दोस्तों इससे आगे का प्रोसेसेस है, ये वाला जो है गैस्केट को हम लगा देंगे इसमें और ऐसे करके डाल देंगे इसमें ताकि स्प्रिंग को हम, इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि स्प्रिंग को लगाने के बाद जाम ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग है, तो इसको हम इसके ऊपर रख देंगे ग्रीस व्रीस लगा के। और एक वाला जो सबसे टॉप वाला ये है गैस्केट, और इस प्लेट के ऊपर हम इसे सफाई करके और थोड़ा ग्रीस लगा के इसको ऊपर रख के और इसे टाइट कर देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आइडियल किट जो है उसे हम बिल्कुल फाइनली कर लिए हैं। अब हम गाड़ी के अंदर फिटिंग करने जा रहे हैं और फिट करके जो है आप सभी को दिखाएंगे कि पहले जो मैं आप सभी को दिखाया था कितना ज़्यादा इसके अंदर प्ले बना हुआ था, अब वो प्ले जो बना हुआ था वो ख़त्म हुआ है।